अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू जॉब एज। दोस्तों नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में आपको अनाउंस होने वाली पाकिस्तान आर्मी की जॉब्स के बारे में बताऊंगी। इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसमें अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसेस मैं आपसे शेयर करूंगी इस वीडियो में। अपने वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है ताकि आपका कोई भी स्टेप इसमें स्किप ना हो जाए। जी तो दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी सीओडी में जॉब्स अनाउंस हुई हैं सेकंड ऑर्डिनेंस डिपोर्ट में। इसमें जो है अप्लाई करने की मुकम्मल डिटेल आपसे शेयर करेंगे। आपने जो है वीडियो को गौर से सुनना है। इसमें आपको जो है कोई आपकी मास्टर डिग्री आपको यहाँ पर नहीं मांगेगी या बैचलर डिग्री। आपके पास जस्ट जो है प्राइमरी, मैट्रिक और इंटरमीडिएट की डिग्री, आपके पास जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो आपने जो है वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है ताकि हमारी डेली की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो डायरेक्टली चलते हैं हमारी वेबसाइट जॉब एज पर। आपने आ जाना है गूगल पर, आपने यहाँ पर सर्च कर लेना है जॉब एज डॉट इन्फो, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपके सामने जो पहला लिंक है यहाँ पर क्लिक करके आपने हमारी वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगा। जब आप हमारी वेबसाइट ओपन करेंगे वहाँ पर आपको सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो लाहौर की जो है जॉब की पोस्ट आपको वहाँ पर नजर आएगी। आपने उस पोस्ट को ओपन करके रीड कर लेना है। वहाँ पर आपको इसका ऐड मिलेगा। तो सबसे पहले जो है मैंने इसका ऐड ओपन कर लिया ताकि इसकी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर सकूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि इसमें जो है यहाँ पर आपको हर जो है यहाँ पर कोटा आपको मेंशन है। आप लोग इसमें जो है कहाँ कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली पोस्ट जो है यूटीसी की है। इसमें आपको बताती चलें ग्रेड 11 की पोस्ट है। टोटल 2 वैकेंसीज हैं। 18 से लेकर 30 साल तक आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। FAFSC आपकी जो है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड आपकी कम अज़ कम जो है 30 words per minute आपकी होनी चाहिए। और इसके अलावा जो है आपको बताते चलें, इसके अलावा जो है अगर आपके पास जो है यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स है, आपके पास जो है टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग अगर आपके पास जो है तो इसमें जो है वेल एंड गुड। तो यहाँ पर आपको बताते चलें कि इसमें जो है सिविलियन मैकेनिकल ड्राइवर की पोस्ट है। इसमें आपकी एजुकेशन जो है प्राइमरी पास होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, LDV जिसे कहते हैं। तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आपको बताते चलें UDC की पोस्ट है, इसमें आप लोग बलूचिस्तान और सिंध से अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको मैं दिखाने जो जा रही हूँ ये सिविलियन मैकेनिकल ड्राइवर, कारपेंटर, फिटर, पेंटर और वेल्डर की जो पोस्ट है। इसमें आपके पास जो है आपकी प्राइमरी पास आपकी जो है एजुकेशन होनी चाहिए और इसमें आप जो है प्राइमरी और यहाँ पर मिडिल वाले अप्लाई कर सकते हैं। और आप जो है लाहौर, शेखुपुरा, कसूर और ननकाना साहब से आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी एज लिमिट जो है 18 से लेकर 30 साल तक होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो आपको इसकी लास्ट पोस्ट के बारे में बताते हैं, यहाँ पर जो नाइब का सद USM इसके अलावा वेटर और सैनिटरी वर्कर की जो पोस्ट है, इसमें आप लोग जो है लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, ननकाना साहब से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन जो है प्राइमरी और इसके अलावा जो है आपको बताते चले अगर आपके पास जो है प्राइमरी पास आपकी क्वालिफिकेशन है और अगर आपको जो है डायरेक्ट एंट्री टेस्ट पर आपका जो है पास करना लाजमी होगा, मतलब आपके जो है आप जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे तो आपका जो है इंट्री टेस्ट अगर आप लोग पास करते हैं तभी आपको जो है आपकी सिलेक्शन होगी। तो यहाँ पर आपको बताते चलें कि इसमें जो है यहाँ पर आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 1 मार्च है। अपने 1 मार्च से पहले तक आपने भाई एप्लीकेशन फॉर्म आपने सेंड करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपने क्या क्या लगाना है, एप्लीकेशन फॉर्म आपने कहाँ से डाउनलोड करना है उसके बारे में आपको बताएं। तो यहाँ पर आप लोग नीचे एप्लीकेशन फॉर्म इसका देख रहे हैं। आपने सिंपली क्या करना है, इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है। और कहाँ से डाउनलोड करना है, जब आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे jobedge.info, वहाँ पर जब आप जाएंगे आपने वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है। उस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकलवा कर उसके साथ अपने जो है पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगा कर उसके डोमिसाइल कंप्यूटर लोकेशन आपने जो CNC की कॉपी लगा कर आपने जो है उसका पोस्टर अगर 200 rupees का आपने कमांडर COD लाहौर यहाँ इसके नेम से आपने जो है वो आपने पोस्टर ऑर्डर बनवाना है। उसका लगा कर आपने बाई पोस्ट जो है अपने 1 मार्च से पहले तक आपने जो है सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो लाहौर छावनी आपने जो है इस एड्रेस पर आपने बाई पोस्ट सेंड कर देना है। तो यहाँ पर आपको बताते चलें कि अगर आप जो है 1 मार्च के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जैसे आपकी सिलेक्शन आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसमें जो है आर्मी से रिटायर्ड पर्सन के लिए जो है यहाँ पर 45 साल उनकी एज लिमिट है, उनको यहाँ पर रियायत दी गई है। तो आपको बताते चलेंगे जब आपका टेस्ट और इंटरव्यू होगा तो आपको उसके लिए जो है आपको वहाँ पर डेट देकर आपको जो है कॉल करके बुलाया जाएगा। आपने इंटरव्यू के टाइम आपने जो अपने रियल डॉक्यूमेंट आपने साथ लेकर जाने होंगे। तो यहाँ पर आपको बताते चलें कि इस तरह से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इसमें अप्लाई करने में कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जी तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।